मैम पेज मैम क्लास मी मैम ओपन। 13 गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? In this session, we are going to know about the synonyms and antonyms word in vocabulary junction, page number 35. Open कर लीजिए. मैम कौन सा बुक? बुक ए पढ़ रहे हो ना कि कौन सी बुक पूछ रहे हो? इंग्लिश बुक ए. क्या सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी है? यस मैम. यस मैम. ओके बेटा. यस आदर्श गुप्ता, क्या पूछ रहे हो? कुछ पूछना है आपको? बुक मैम, ये मैम रेजर हैंड का मैम बुक दिखने लगी थी. हाँ ठीक है बेटा. तो आज के समय में हम लोग रीड करेंगे synonyms and antonyms words के बारे में. क्या आप सभी को पता है बेटा synonyms and antonyms words किसको कहते हैं? किसी को पता है? No, ma'am. नहीं no, पता है? कभी पढ़ा नहीं है? पढ़ाई नहीं करते क्लास में? सर फर्स्ट में पढ़ाया. synonyms and antonyms words किसको कहते हैं? Synonyms and antonyms. Mam synonyms mam usko kehte hain mam jo mam shabdon ka mam paryayvachi shabd. Good. Synonyms means hota hai paryayvachi shabd. Okay. And antonyms means kya hota hai? Antonyms. Mam opposite shabd. Belongs shabd ya opposite word bolte hain. Theek hai. To synonyms means hota hai पर्यायवाची, हिंदी में कहते हैं उसको पर्यायवाची शब्द. एंड एंटोनिम्स मींस होता है अपोजिट वर्ड्स या विलोम शब्द कहते हैं हिंदी में. ओके चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग. आदर्श यादव आप सही से बैठिए, पहले लाफिंग बात में करना. रीड दिस लाइन फ्रॉम द पोयम लिटिल लुलू लुक अप एंड डाउन एंड देन एट हर टूच. जैसे आप लोगों ने रीड किया था पोयम में लिटिल लुलू लुक अप एंड डाउन. लिटिल लुलू ने ऊपर देखा और नीचे देखा, उसके बाद से अपने अंगूठों के पास देखा. तो यहाँ पे देखिए मम्मा जब तक रीड करी. हाँ बेटा पढ़ना, चलिए पढ़िए. अच्छा मैम लिटिल लुलू मैम रीड दीज लाइंस फ्रॉम द पोयम. मैम लिटिल लुलू लुक्ड अप एंड डाउन एंड देन एट हर टॉय. आगे पढ़िए. Mam, the words up and down are opposite are also called antonyms. Up and down are antonyms. Stop बेटा. Little Lulu looked up and down. Little Lulu ने ऊपर देखा और नीचे देखा. And then at her toes, फिर अपने अंगूठों के पास देखा. The words up and down are opposites. यहाँ पे देखिए up and down words opposite words means विलोम शब्द है, उल्टे वर्ड है. देखिए up means होता है ऊपर, down means नीचे. तो अप एंड डाउन कैसे वर्ड है बेटा? अपोजिट वर्ड्स हैं, मींस बिलोंग शब्द जिसको कहते हो आप. अपोजिट्स आर कॉल्ड आल्सो एंटोनिम्स. अपोजिट वर्ड्स को हम एंटोनिम्स भी बोलते हैं. ठीक है, अपोजिट वर्ड्स कहो या एंटोनिम्स कहो, दोनों का बिलोंग ही, दोनों का मींस बिलोंग शब्द ही होता है, उल्टा अर्थ. अप एंड डाउन आर एंटोनिम्स. यहाँ पे अप एंड डाउन जो है एंटोनिम्स वर्ड हुए. ओके मींस बिलोंग शब्द. क्या हमें कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं एंटोनिम्स वर्ड्स के? एग्जाम्पल दीजिए बेटा एंटोनिम्स वर्ड्स के. हम क्या एग्जाम्पल तो बेटा यहां पे अप एंड डाउन लिखा है. मैम डे का नाइट. डे एंड नाइट. डे का नाइट. और हम क्या डे नाइट हो गया. और बताइए मैम. मैम हॉट का कोल्ड. हॉट कोल्ड. चलिए देवेश की बारी, आप बताइए बेटा. देवेश माइक ऑन करिए. मैम हॉट का मैम सिलो. चलिए एंटोनिम्स वर्ड बताइए बेटा. बिलोंग सब एंटोनिम्स. मैम आपका डाउन. मैम आपका डाउन.
मैम बेकअप का स्लीप मैम 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 फास्ट का मैम स्लो फास्ट का स्लो फास्ट मींस तेज स्लो मींस धीरे फास्ट का स्लो चले बेटा आप मैम सॉफ्ट का हार्ड आदर्श गुप्ता यस मैम यस मैम चलिए आप बताइए एंटोनिम्स वर्ड मैम मैम डे का नाइट मैम आगे मैम भी मैम वीप का क्राई आकाश चौधरी मैम राइट का लेफ्ट राइट लेफ्ट ओके और मैम फास्ट का स्लो फास्ट का स्लो यस और दूसरा निकाल और बोलिए बेटा एक्सेंट ऑफ बैग ओके चलिए यहाँ पे हम और भी वर्ड्स रीड करते हैं अपोजिट वर्ड्स के बारे में जैसे यहाँ पे अब मिस ऊपर यहाँ पे गर्ल जो है ऊपर जा रही है सीढ़ी पे चढ़ते हुए ऊपर जा रही है यहाँ पे देखिए नीचे आ रही है तो डाउन डाउन मिस नीचे होता अप मिस ऊपर नाउ रीड दिस लाइन चलिए और भी लाइन हम लोग रीड करते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है एवरी द एलिफेंट एवरी एलिफेंट ने उसको होता हुआ देखा ऐसी वाज पासिंग बाय जैसे उसके पास से गुजरती है जाती है उसको रोता हुआ देखती है शी गेव द वीपिंग गर्ल अ मिरर वह वीपिंग गर्ल को मिस रोती हुई लड़की को एक शीशा शीशा दिया उसने एंड सेड गिव दिस अ ट्राई और कहा कि इसका भी प्रयास करो वाज दैट सिमिलर मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम्स ऐसे वर्ड जिसका मीनिंग सेम होता है मीन्स एक ही अर्थ होता है ऐसे शब्द जिसका एक ही अर्थ होता है उसको हम सिनोनिम्स बोलते हैं मीन्स पर्यायवाची शब्द ओके ऐसे वर्ड जिसका मीनिंग सेम होता है एक ही अर्थ होता है ऐसे वर्ड को हम सिनोनिम्स कहते हैं मीन्स बिलोंग्स पर्यायवाची शब्द कहते हैं बीपिंग एंड क्राइंग आर सिनोनिम्स जैसे कि आपने देखा यहाँ पे बीपिंग एंड क्राइंग दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं मीन्स क्राइंग मीन्स भी रोना होता है एंड बीपिंग मीन्स भी रोना होता है तो बीपिंग एंड क्राइंग कैसे वर्ड हुए बेटा सिनोनिम्स वर्ड में मीन्स पर्यायवाची शब्द सबको आया समझ में yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या आप हमें और बता सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड्स के बारे में Who want to tell? Some more words. हाँ बेटा कौन बता रहा है आदर्श सिंह नहीं आकाश से भी आप बताइए आकाश राइट का रीड मैम प्यूटी और ब्यूटीफुल अमित माइक आने के बोले बेटा सिनोनिम्स वर्ड्स बोलिए अमित yes. आवाज नहीं जा रही क्या आपको मैम जा रही है बीच में कौन बोल रहा है हम किससे पूछ रहे हैं कौन बोल रहा है किसी को बोलना नहीं है जिसका नेम लेंगे उसी को बोलना है चलिए सौरभ सैनी आप बताइए सौरभ सैनी जैसे यहाँ पे आपने देखा सुन लो पहले बीपिंग एंड क्राइंग का आपने सेम मीनिंग देखा मीन्स बीपिंग मीन्स रोना होता है क्राइंग मीन्स मिस रोना होता है तो ऐसे आपको और वर्ड्स बोलने जिसका सेम मीनिंग होता है बताइए मैम कोल्ड का मैम कूल कोल्ड का क्या होता है मैम कूल आदर्श सिंह यू कैन आदर्श यादव वैसे बात बहुत करते हो आप मैम मैं आई से है ना
तो माइक में मतलब आवाज नहीं आती है। सौम्या मैम बताएं। सौम्या माइक ऑन करिए। मैम मैं आइटल। नो मैम आप बोले टच नानी स्वर्ड्स। मैम बताते हैं मैम सॉफ्ट का हार्ड कोड का हार्ड कोड हार्ड नानिंग्स होगा कि एंटानिंग्स होगा अभी क्या समझ नहीं हुआ। रौनक रौनक पढ़ाई नहीं करनी मैम हम सनानिंग्स का बताएं। हाँ चलो बोलो जल्दी से। मैम कोल्ड का मैम कूल मैम आकाश चौधरी बताए। बेटा आदर्श आदर्श की आवाज जा रही है। यस मैम। चलिए आप बताइए सिनोनिम्स वर्ड बताइए बेटा। जैसे यहाँ बीपिंग क्राइंग है सेम ऐसे आपको वर्ड बताने हैं जिसका सेम मीनिंग हो ऐसे वर्ड्स। मैम पुल का मैम रीच मानसी माइक ऑन करिए। जी आप बताइए मानसी क्या बोलोगी। आकाश चौधरी मैम इसका इस्तेमाल क्या मैम लिटिल का स्मॉल लिटिल स्मॉल ओके लिटिल का स्मॉल हो गया। और बताइए कुछ नहीं आप लोगों को लड़ना है। चलिए यहाँ पे देखिए फ्राइज कार्ड कंप्लीट करना है। यूज द पिक्चर क्यू टू राइट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। जो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ उसको आपको देखते हुए जो वर्ड फ्राइज है उसका एंटोनिम्स लिखना है। ध्यान देना एंटोनिम्स लिखना मीन्स बिलोंग को भी लिखने हैं अपोजिट वर्ड। जैसे आपको एक बोलेगा नहीं जिससे हम कहेंगे वही बोलेगा ओके। हॉट हॉट का एंटोनिम्स क्या होगा चलिए बताइए सौरभ सैनी। सौरभ सैनी व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ हॉट। सौरभ आपसे पूछ रहे हैं जल्दी बोलिए। बोल्ड बोल्ड है कोल्ड होता है। माइक ऑन करिए। दिव्यांशु यू टेल व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ हॉट। मैम हॉट का एंटोनिम्स नहीं बता रहे आपको सौम्या। मैम कॉल देवान शर्मा देवान शर्मा आदर्श गुप्ता। मैम ओल्ड का कोल्ड। आकांक्षा सॉरी अनुष्का अनुष्का। यस मैम। चलिए बताइए मैम हॉट का मैम कोल्ड। हॉट का कोल्ड हॉट नहीं हॉट होता है। मैम देवेश बताएं। नहीं देवेश माइक बंद करिए। अमित। यस मैम। हॉट का एंटोनिम्स क्या होता है। मैम कोल्ड। बेटा आर्यन माइक बंद किया आपने माइक बंद करी। आर्यन आदर्श यादव आप प्रमुख करने जा रहे हैं ठीक है क्योंकि आप उससे माइक ऑन करके बोलने लगते हैं इसलिए आप क्लास में लेना आपको आज मना करने के बाद माइक ऑन कर लेते हैं। हेमंत भी माइक ऑन कर रहे हैं बंद करें माइक। हेमंत पूछो मैम बोलो। चलिए यहाँ पे नोट करिए बेटा हॉट का कोल्ड। ओ
साइलेंस क्या होगा? आदर्श सिंह बताएंगे। क्या ओल्ड का एंड साइलेंस? मैम न्यू। क्या मैम न्यू? आनंद मेरा वीडियो ऑन करिए। मैम न्यू वन मिनट स्टॉप इट। आदर्श आनंद कुमार जिन्हें आपको क्लास नहीं लेना है, ठीक है? आपका वीडियो हमें साफ रहता है, आपको पढ़ना नहीं है ना, रिमूव कर रहे हैं आपको यहाँ से हम। आनंद कुमार वीडियो ऑन करिए। आनंद आवाज जा रही है, वीडियो ऑन करिए। जो ज्वाइन कर लेते हैं वीडियो ऑफ कर बैठे रहते हैं, पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। चलिए आदर्श गुप्ता बताइए बेटा, ओल्ड कास्ट एंटोनिम्स क्या होगा? न्यू। न्यू। हेमंत प्यूटल? मैम न्यू। वीरू? मैम। ओल्ड का एंटोनिम्स क्या होता है? अच्छा वो भी वीरू, ओल्ड की हिंदी क्या होती है? मैम बूढ़ा। तो यहाँ बोतल के बूढ़ा यूज करेंगे या पुराना यूज करेंगे? पुराना। पुराना यस। ओल्ड भी बूढ़ा भी होता है, पुराना भी होता है। ओल्ड भी पुराना का एंटोनिम्स होगा। कौन बोल रहा है? मानन सर। तो पूछना है क्या? पूछना है क्यों बोल रहे थे? चलिए आगे देखते हैं क्या राइट है। अवेक। अवेक मिस होता है जगना, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा बोलिए? मैम स्लीप। स्लीप। यंग। यंग का क्या होता है? मैम ओल्ड। मैम ओल्ड। मैम ओल्ड। राइट मैम। मैम। मैम स्लो। बेटा आनंद आप यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, नेटवर्क नहीं है, आपका वीडियो ऑफ दिख रहा है, तो आपने ऑफ किया होगा जानबूझ के, ये तो नेटवर्क नहीं होगा। मैम अंदर ऊपर कर दीजिए। फास्ट का क्या होता है एंटोनिम्स? Who want to tell what is the antonyms of fast? मैम स्लो। मैम स्लो। मैम स्लो। फास्ट की हिंदी क्या होती? फास्ट की हिंदी क्या होती? मैम स्लो। मैम स्लो। मैम तेज। मैम तेज। मैम तेज। मैम तेज। स्लो। मैम धीमे। हेमंत माइक बंद करिए। मैम मैम नीचे मैम ओल्ड लिखा है। कहाँ पे ओल्ड लिखा हुआ है? मैम यहाँ स्क्रीन पे। मैम मैम लिखा है मैम गर्ल के पास। हाँ हाँ मिल गया, क्योंकि ऊपर ऊपर किया है ना इसको करके, तो जो लाइट था नीचे आ जाता है। चलिए आप देखते हैं बिग। बिग का क्या होता है बेटा? मैम बिग का स्मॉल। मैम बिग का स्मॉल। मैम मैडन।
I have done. हम पूछ तो रहे नहीं है कि हुआ कि नहीं हुआ। माइक हम लोग बंद रखिए, बोलना किसी को नहीं है। Use the pictures clue and clue to write the synonyms of the given words. अभी आपने synonyms write किया, अब आपको यहाँ पे synonyms write करना, means below पर्यायवाची सब same meaning वाले words आपको write करने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ leap, L-E-A-P, leap, leap means क्या होता है? किसी को पता है? Yes, ma'am. क्या होता है बेटा? कूदना, उछलना या कूदना। लीप मीन्स उछलना या कूदना, तो लीप का सिनोनिम क्या होगा बेटा? उछलना या कूदना। मैम जंप। क्योंकि लीप मीन्स भी उछलना कूदना होता है और जंप मीन्स भी उछलना और कूदना होता है। बेटा हेमंत राइट कर रहे कि नहीं? चलिए हम लिखते हैं हैप्पी। हैप्पी मींस खुश। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हैप्पी? मैम ग्लैड। आई एम ग्लैड। ग्लैड, वेरी गुड। हैप्पी मींस खुश होता है, ग्लैड मींस खुश होता है, ओके? दोनों का मींस खुश होता है। हैप्पी एंड ग्लैड दोनों सिनोनिम्स वर्ड है एक दूसरे के। मैम मैं डन। मैम देवेश राइट करो बेटा कि नहीं राइट कर दो? देवेश तिवारी मैम मेरा कंप्लीट है, पहले से कंप्लीट है इनका। चलिए यहाँ पे देखते बेटा क्या राइट है। स्केयर। स्केयर भी होता है भयभीत होना, डरना। तो स्केयर का सिनोनिम्स क्या होता है, किसी को पता है? मैम अफ्रेड। Afraid, good. What is the spelling of afraid? Mam, A-F-R-A-I-D. But Ayush, video one kare. Ayush. राइट है इल। आई डबल एल। इल मीन्स होता है बीमार। तो व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ इल? हु वांट टू टेल? मैम सिक। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सिक? अदर मैम सिक। अवार्ड। अवार्ड मीन्स क्या होता है अदर सिंह? बेटा अवार्ड मीन्स क्या होता है पता है? नो मैम। अवार्ड उपहार होता है। क्या होता है बेटा? मैम उपहार। मैम उपहार विनर होता है किसी भी प्रोग्राम में या खेल में, जिसको अवार्ड मिलता है, उपहार मिलता है, इनाम दिया जाता है, ठीक है? तो अवार्ड को और क्या बोलते हैं बेटा? प्राइज। प्राइज। मैम प्राइज। प्राइज। MPRI जड़ी। फुल मीन्स खींचना। व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ फुल? मीन्स खींचना होता है, फुल मीन्स खींचना, ओके? बेटा आनंद आवाज जा रही है आपको, वीडियो ऑन करिए आनंद। मैम स्ट्रेच में मिस मी मैम होता है। क्या बेटा? स्ट्रेच मिस भी होता है। स्क्रेच बेटा, स्क्रेच जो होता है उसका मीन उसका खींचना ही खींचना नहीं होगा,
वो जो आप लाइन खींचते हो उसको स्केच बोला जाता है, लेकिन ये देखिए रस्सी को खींच रहा है, पुल होता है तो उसको खींच रहा है, यहाँ पे टक राइट करेंगे, स्केच नहीं। ओके अदर अगर लाइन खींचना होता तो स्केच करते, लाइन के लिए यूज करते स्केच मीन्स लाइन खींचना, लेकिन आप पुल हमेशा किसी चीज को खींचना, कोई भी थिंग हो उसको खींचना, तो यहाँ पे टक राइट करेंगे। ओके माइक बंद करिए तो करवाएंगे हम, माइक बंद करके सभी लोग पहले क्लास सेकंड पहुंच गए हो, क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें अब हम माइक याद रहता है। रिवान माइक बंद करिए, खराब हो गई है, हमेशा माइक ऑन कर लोगे बातें करने लगते हो, चलिए आनंद को तो रिमूव भी करने जा रहे हैं हम, क्योंकि वीडियो स्टॉप करके बैठे हुए हैं। उनको बाबा कहता है कि नेटवर्क पर जाके वहां बैठे क्लास करिए, चलिए कोई बात नहीं। अब जिसका माइक तुझे खुद से ऑन मिला उसको फोन रिमूव करेंगे हम, याद रखना। लोग डेली वही बात समझाते हैं कि माइक मत ऑन किया करो, कुछ पूछना फिर माइक ऑन किया करो, माइक ऑन करेंगे बातें करते रहेंगे। मानसी माइक बंद करिए, लुक एट द वर्ड्स, लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स, यूज द पिक्चर क्लू टू रिप्लेस ईच वर्ड विद द सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, राइट द सेंटेंसेस। यहाँ पे क्या करना, जो अंडरलाइनिंग वर्ड्स किए गए हैं उसका आपको सिनोनिम्स लिखना है, अगर हो सके तो जहाँ पे एंटोनिम्स लिखना हो वहाँ पे एंटोनिम्स लिखेंगे, और जहाँ पे सिनोनिम्स लिखना हो वहाँ पे सिनोनिम्स राइट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही टू का राइट टर्न, पिक्चर देख के आपको पहचान करना है ही टू का राइट टर्न। अब देखिए राइट, राइट का आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, तो राइट मीन्स होता है दायां, मैम लेफ्ट, राइट का अपोजिट क्या होगा, मैम मैम लेफ्ट, मैम लेफ्ट, मैम इसको मैम मैम पर ऐसे तो हमने लिखा है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखिए बुक में ही लिखना, नोटबुक में नहीं, नोटबुक में बुक में ही लिखना है, ठीक है, इसको आपको बुक में ऐसे यहाँ पे राइट करना है क्योंकि स्पेसर आ जाएगा कंप्लीट। राज गेव रिया स्मॉल टेडी बियर, राज ने रिया को एक छोटा सा टेडी बियर दिया, तो स्मॉल मीन्स छोटा होता है, लेकिन टेडी बियर तो बड़ा सा दिख रहा है कि छोटा टेडी बियर दिख रहा है, बेस्ट फ्रेंड्स आर राइटिंग एंड एग्जाम, बच्चे जो है एग्जाम की राइट कर रहे हैं, मतलब एग्जाम दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, प्लीज बी साइलेंट, कृपया शांत रहिए। तो देखिए साइलेंट, साइलेंट का आपको लिखना है सिनोनिम्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखिए पिक्चर में गर्ल जो है सबको साइलेंट कर रही है, माउथ पे फिंगर रखी हुई है, तो इसलिए आपको अगर साइलेंट का सिनोनिम्स लिखना है, अपोजिट नहीं, तो साइलेंट का सिनोनिम्स क्या होता है आपको किसी को पता है, अपोजिट नहीं सिनोनिम्स ढूंढना है, पर्यायवाची लिखना है, कोई
बी साइलेंट, यहाँ पे लिखा हुआ आपको लिखेंगे प्लीज बी क्वाइट। क्यू यू आई टी क्वाइट मीन शांत रहना। ओके सबको आज समझ में कैसे राइट करना है? Yes, ma'am. तो जो आपने लिखा उसको अंडरलाइन कर देंगे ऐसे। I got many present on my birthday. मैं अपने बर्थडे पे कई सारा जो उपहार पाया। मैं नीचे कर दो। मैं समय कई सारे उपहार मिले हमारे बर्थडे पे। कौन बोल रहा है? मैम। तो प्रेजेंट में उपहार होता है और रैप्टो किए हैं। क्या? मैम राइट लो के मैम आप रेज कर दी। तो क्यों नहीं राइट की? अब बाद में राइट करना, इतना देर टाइम नहीं कि रुकेंगे आप। एक ही वर्ड एक घंटे में लिखोगे तब आप इंतजार करेंगे हम। अभी और भी राइट करवाना है। एक बार ध्यान सुन लिया? मैम साइलेंट पे क्या लिखी है? साइलेंट का क्वाइट होता है, क्यू यू आई टी क्वाइट। क्वाइट मीन शांत रहना, साइलेंट मीन शांत रहना। यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या लिखेंगे बताइए? पूरा सेंटेंस आप कॉपी कर लेंगे कि यहाँ पे गिफ्ट राइट कर देंगे। ओके लेकिन पूरा सेंटेंस लिखना है। पार्क द कार इन द बैंकेट स्पेस। बैंकेट मीन्स होता है खाली जगह। बैंकेट स्पेस मीन्स खाली जगह। तो बैंकेट का आपका सिनोनिम्स होगा एम्प्टी। I love to drink hot coffee. Hot का यहाँ पे कॉफी जो है हॉट नहीं कोल्ड दिख रही, ठंडी दिख रही है, इसे यहाँ पे आप कोल्ड राइट करेंगे। तो खोलती है मैम मैं लगता हूँ रो आ रहा थी। अब पूरा सेंटेंस राइट कॉपी कर लेंगे सभी लोग। ओके यस मैम। चलिए तो बाद में कंप्लीट कर लेना। नहीं रो अच्छा गलत है। अमित वर्मा गुड मॉर्निंग। हाय रुदन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरे पूरा सेंटेंस लिखे हो क्यों नहीं? कॉप राइट कर जैसे मैं लिखा है, ऐसे नहीं लिखा पुलिस का। पूरा सेंटेंस लिखना है। आई गॉट मेनी गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। पार्क द कार इन द एम्प्टी स्पेस। आई लव टू ड्रिंक कोल्ड कॉफी। ऐसे आपको पूरा सेंटेंस राइट करना है। ओके चलिए आगे देखते हैं। और राइट करना है कि बस हो गया इतना ही? क्या मैम? चलिए आज इतना ही करते हैं। बाकी जो बच्चे भी साइज बच्चे हैं बुक सी में बचा हुआ अभी एंड बुक ए में भी एक लेसन बचा हुआ है, इसको बाद में कंप्लीट करेंगे। ओके यस मैम। और सभी लोगों को 10 10 10 10 और 10 10 रन करके सुनाना है सेशन में, ठीक है? सभी लोगों को लर्न करके रखना है। यस मैम। बुक से ओपन कर लीजिए सभी के लिए। मैम बुक से ओपन करें? मैम एक्सक्यूज मी। हाँ सर बोलो बेटा। मैम बुक सी में मेरा मैम मैम थर्ड क्वेश्चन मैम छूट गया है, मैम करा दीजिए। इफ यू हैड मेट लिटिल लुलु व्हाट वुड यू हैव डन टू हेल्प हर। ये छूटा हुआ है इस मैम।
यहाँ पर नोट करिए आल्सो आर यू बी गिविंग आमिरा, कितना नोट किया है? मैम कुछ भी नहीं मैम नोट किया है, एक भी कुछ भी नहीं नोट किया है मैम। मैम पेज नंबर बता दीजिए। गिविंग आमिरा Amira to help her. GLP. Help her so that मेरा टाइम ओवर होने वाला है, बस हो गया। So that she can use the mirror. So that she can see. यहाँ पे लिखना है बेटा she can see her nose and stop crying. ठीक है, see her nose and stop crying. Okay, others. Also, I will be giving a mirror to help her so that she can see her nose and stop crying. Hello. What's your name? Ma'am.